हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक किया था हमने, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर कूलिंग 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस या आइडियल मोनोएटॉमिक गैस फ्रॉम 225 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी, ब्रैकेट में Cp इक्वल टू दिया हुआ है 5/2 R। ऑप्शंस दिए हुए हैं 250 R, -500 R, C में 500 R, D में -250 R। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, आंसर समझ में आएगा फिर इसका क्या अप्रोच होना है। लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर कूलिंग 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस फ्रॉम इतना डिग्री सेल्सियस टू इतना एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी। क्या होगा बताओ, सीपी वगैरह दिया हुआ है, इसका मतलब यहां से सीपी का कुछ कंसेप्ट तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं। याद करो ये सीपी से भी दो चीज़ें हमने पढ़ा था, कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी ही था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या था फॉर्मूला इसका, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। उसी प्रकार से सीबी का क्या था, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी था बाय डेल्टा टी। यहाँ इंथैल्पी चेंज था, इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज था, जब पढ़े थे इसको याद करो इस चीज़ को। तो खैर यहाँ इसका तो कोई रूल है नहीं, इससे मतलब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा टी सी पी। ऐसा तो यहाँ से हमें निकालना क्या था, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, तो डेल्टा एच ही निकालना था, सी पी का वैल्यू डायरेक्ट गिवेन है, डेल्टा टी हम निकाल लेंगे यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स दे करके रखा है तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा। और क्या डेल्टा एच को जब लिखोगे तो यहाँ से एन सी पी डेल्टा टी लिख सकते हो, ठीक है, एन टू हो जाएगा, सी पी का वैल्यू दिया हुआ है 5/2 R, डेल्टा टी डिफरेंस निकाल दो, 125 फाइनल है, -225 इनिशियल है, तो 100 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -100, ये ख़त्म हो जाएगा, -500 R इज द आंसर। सिंपल ही था, बस इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखना था, सी पी दे करके रखा है, डेल्टा एच पूछ रहा है, तो सी पी डेल्टा एच के बीच क्या रिलेशन है, तो इस फॉर्मूला को पढ़े हुए हम लोग पीछे, सी पी माइनस सी बी बराबर आर जब डिराइव कर रहे थे उस समय इस फॉर्मूला का जिक्र हुआ था, तो याद रखना है। तो आंसर इसका हो जाएगा -500 R, मतलब बी नंबर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन इसमें है, विच थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स इज नॉट ए स्टेट फंक्शन,
which thermodynamic parameter is not a state function. ऑप्शन गिवन है क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। बी में है क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बड़ा ही कंसेप्चुअल एकदम सोचने वाला। डब्ल्यू एट एडियाबेटिक, और डी में है डब्ल्यू एट आइसोथर्मल। कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? हम जानते हैं कि क्यू और डब्ल्यू डायरेक्टली जो है वे पाथ फंक्शन है, लेकिन यहाँ क्यू और डब्ल्यू डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। स्टेट फंक्शन तो बहुत सारे हैं, क्यू और डब्ल्यू के बारे में हम पहले बता चुके हैं कई दफ़ा कि ये दोनों पाथ फंक्शन है, लेकिन यहाँ क्यू डब्ल्यू डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ध्यान से ज़रा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है क्वेश्चन में। देखो क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्यू पी, क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी, याद करो क्यू पी को ही हम लोग कहते थे डेल्टा एच। पीछे जब एक्सप्लेन कर रहे थे इन चीज़ों को तो वहाँ से देखोगे नोट्स में मिल जाएगा कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम इंथैल्पी कहते थे, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम इंटरनल एनर्जी कहते थे डेल्टा ई या डेल्टा एच। डेल्टा एच एंड डेल्टा ई बोथ आर स्टेट फंक्शन। अब यहाँ है डब्ल्यू एट एडियाबेटिक, डब्ल्यू एट आइसोथर्मल। तो डब्ल्यू एट एडियाबेटिक जो है ना, यहाँ से देखो डेल्टा ई बराबर क्या था क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं हीट कांस्टेंट होता है तो हीट खत्म हो जाएगा, तो डब्ल्यू यहाँ से भी बराबर जाएगा डेल्टा ई का, तो डेल्टा ई भी जो है स्टेट फंक्शन बन जाएगा। तो डब्ल्यू एट आइसोथर्मल यहाँ से भी निकाल सकते हो। आइसोथर्मल केस में हम लोग डेल्टा ई को जीरो लेते हैं, तो डेल्टा ई को जीरो लोगे तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू। अब यदि क्यू और डब्ल्यू दोनों के टर्म केवल बचे हैं तो ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है, ये दोनों के दोनों क्या है पाथ फंक्शन है। तो डब्ल्यू एट आइसोथर्मल दिस वन इज पाथ फंक्शन नॉट ए स्टेट फंक्शन, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मीन्स क्यू पी मतलब डेल्टा एच, क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मैंने क्यू भी डेल्टा ई, डेल्टा एच एंड डेल्टा ई बोथ आर स्टेट फंक्शन। डब्ल्यू एट एडियाबेटिक हम यहाँ से कंक्लूड किए, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, एडियाबेटिक है तो क्यू नहीं होगा जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। एंड डेल्टा ई इंटरनल है स्टेट फंक्शन तो डब्ल्यू भी स्टेट फंक्शन हो जाएगा। लास्ट में कि यदि आइसोथर्मल है तो उसमें डेल्टा ई हम लोग जीरो लेंगे तो डब्ल्यू वहाँ क्यू से कोरिलेट करेगा डायरेक्ट। अब क्यू और डब्ल्यू दोनों को देनों जो हम लोग जान रहे हैं कि पाथ फंक्शन है, कोई भी स्टेट फंक्शन नहीं है इनमें। AIIMS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 29 नंबर, देखो पूछा तो है वही स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, लेकिन तरीका देख रहे हो डायरेक्टली कोई डाटा नहीं दिया है, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर किया है। डायरेक्टली यहाँ एच ई दे देता तब तो ठीक ही था, नहीं दिया है। ट्वेंटी नाइन नंबर, The following is an
इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम ए टोटल मास बी टोटल एनर्जी सी वॉल्यूम डी एनर्जी पर मोल। और भी ऐसे कई क्वेश्चन से लिख लिए हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक पैरामीटर विल बी ए इक्वल टू डेल्टा यू बराबर जीरो क्यू इक्वल टू जीरो डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो बी डेल्टा यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो W not equal to 0, delta H equal to 0, C delta U 0, Q not equal to 0, W 0, delta H not equal to 0, D delta U 0, Q not equal to 0, W not equal to 0, delta H 0। नेक्स्ट 31 में क्वेश्चन है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय एन आइडियल गैसियस सिस्टम at constant volume h a number है minus delta p by p b में है zero c में भी delta p d में minus delta e। ये तीन लगातार questions हैं। समझना है ज़रा ध्यान से हमें इन चीज़ों को। शुरू वाला तो आसान है, 29 नंबर में कुछ है ही नहीं। द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, मैंने चार दिया हुआ है, इसमें से कौन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है पूछ रहा है। तो याद करो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पहचानने का बड़ा सटीक सा तरीका बताए थे हम कि जिसमें मोलर देखोगे, पर लगा हुआ रहेगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मोलर एन्थैल्पी, ये सब चीज़ इसमें लगा हुआ है, अस्पेसिफिक लगा रहेगा, अस्पेसिफिक मोलर पर, ये तीन चीज़ देखने बोले थे इंटेंसिव के लिए। कहाँ पर दिख रहा है तुम्हें? एनर्जी पर मोल है, तो बिना सोचे टिक करो इसको। और क्या शुरू में जो बताए थे ट्रिक, उस आधार पे इंटेंसिव के लिए तीन चीज़ कि अस्पेसिफिक लगा रहेगा, मोलर लगा रहेगा, पर लगा रहेगा। तो इसमें पर मोल है तो ये हो गया इंटेंसिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 नंबर बोल रहा है कि किसी भी गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। ये जो चार कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही है वो पूछ रहा है। तो देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो आइसोथर्मल का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। अभी थोड़ा देर पहले जो है CP और CV का हम बताए थे, CP में था डेल्टा H बटे डेल्टा T और इसमें था डेल्टा E बटे डेल्टा T, ठीक है।
अब इसमें से हम डेल्टा एच लिखेंगे तो सी पी डेल्टा टी लिखेंगे, और डेल्टा ई लिखेंगे तो सी बी डेल्टा टी लिखेंगे। ठीक है, डेल्टा टी जो है हम कितना लेंगे, जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल दिया हुआ है। अब यदि ये जीरो, ये जीरो, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या होंगे, जो जीरो मतलब डेल्टा एच डेल्टा ई, ई मतलब यहाँ इंटरनल एनर्जी है जो वहाँ यू दिया हुआ है, यू लेके चलो। तो यहाँ से तो हमें डायरेक्टली समझ में आ गया कि डेल्टा एच जीरो है एंड डेल्टा यू इज ऑल्सो जीरो। तो पहले तो ये देखो डेल्टा एच डेल्टा यू जीरो दोनों में से किस में है, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा यहाँ डेल्टा यू जीरो है लेकिन डेल्टा एच जीरो नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। डेल्टा यू जीरो नहीं है ये भी नहीं होगा, डेल्टा यू जीरो है डेल्टा एच जीरो नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो लोग डायरेक्ट तो पता चल ही गया डेल्टा यू जीरो है डेल्टा एच भी जीरो है डी नंबर में, डायरेक्ट पता चल गया। लेकिन फिर भी कन्फर्मेशन चाहो कि सर क्यू जीरो कैसे नहीं होगा, डब्लू जीरो कैसे नहीं होगा, तो वहाँ से हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़े हुए हैं, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू, इसी क्यू को यहाँ कैपिटल क्यू लिखा गया है। अब डेल्टा यू जीरो है तो क्यू प्लस डब्लू, इसमें से कोई भी जीरो नहीं आएगा, क्यू को तुम माइनस डब्लू लिख सकते हो या डब्लू को माइनस क्यू लिख सकते हो, कोई भी जीरो नहीं आएगा दोनों में से। तो इसका सही आंसर हो गया डी नंबर। यहाँ से डायरेक्टली पता चल जा रहा था हम लोग को बस कि डेल्टा एच भी जीरो है डेल्टा यू भी जीरो है, तो खाली देख लेना था चारों में से किस में ये दोनों जीरो दिए हुए हैं, बस डायरेक्ट पता चल गया था। नेक्स्ट है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय एन आइडियल गैसियस सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इच, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय एन आइडियल गैसियस सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पूछ रहा है। अरे तो इसमें आसान है, इसमें सोचना क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है तो W इक्वल टू P डेल्टा भी पढ़े हम लोग, खत्म कहानी। लिखा हुआ है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो डेल्टा भी जीरो तो W इज ऑल्सो जीरो, डायरेक्ट हो जाएगा B नंबर आंसर जीरो। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसमें अब हम लोग 31 नंबर तक कर लिए। थर्टी टू नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू मोनो एटॉमिक गैसेस ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर एंड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। The ratio of specific heats, मैंने CP/CV of the mixture will be ऑप्शन में है 0.83, 1.50, 3.3, 1.67। क्या होना चाहिए इसका आंसर, बोल रहा है कि दो गैसेस हैं ए और बी, दोनों मोनोएटॉमिक हैं, वॉल्यूम दोनों का बराबर है, मिला दिया गया है,
मिलाने के बाद सी पी बाई सी वी का रेशियो पूछ रहा है क्या होगा। देखो तो मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके लिए एट या फॉर इक्वल वॉल्यूम्स, फॉर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू मोनो एटॉमिक गैसेस, दो मोनो एटॉमिक गैसेस का यदि वॉल्यूम इक्वल है तो उसके लिए सी पी का वैल्यू होता है 5/2R और सी वी का वैल्यू होता है 3/2R। चैप्टर्स पढ़ते समय हम इसे नोट किए हैं, सी पी इक्वल टू 5/2R और सी वी इक्वल टू 3/2R। तो रेशियो निकालना है बस सी पी बाई सी वी का, तो 5/2R ही हो जाएगा 3/2R, आर आर तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो 5/2 × 2/3 ख़त्म हो जाएगा, 1.67 हो जाएगा डी नंबर। सब रटा हुआ चीज़ होना चाहिए ना, रटा हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, पढ़े हुए हम लोग। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा है कि ए मिक्सर ऑफ 2 moles ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 mole ऑफ ऑक्सीजन, मतलब O2, 1 mole ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज्ड वेसल इज इग्निटेड टू कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो इफ डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा ई इज द इंटरनल एनर्जी चेंज, देन ऑप्शन दिया हुआ है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, बी डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई, सी डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, और डी में द रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। द रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ वेसल। थोड़ा सा सोचोगे हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। थोड़ा सा सोचोगे काम हो जाएगा। इक्वेशन से इसको लिखते हैं समझ में आएगा। यहाँ थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कह रहा है कि 2 mole कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, उसके साथ 1 mole ऑक्सीजन है, 1 mole लगा हुआ है, ये दोनों आपस में क्लोज वेसल में इग्निट किए जा रहे हैं तो इनसे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे 2CO2, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऐसे भी तुम सोच सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द गैसियस सब्सटेंस, दिस वन इज आल्सो गैसियस सब्सटेंस, दिस वन इज आल्सो गैसियस सब्सटेंस। यहाँ से तुम निकाल लो डेल्टा एनजी का वैल्यू, तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट का, इसका 2 mole है, -2 और 1 3 mole तो बचेगा -1। याद करो पढ़े क्या हो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ऐसे ही पढ़े हो ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, इसका आया है -1 RT ऐसे। तो इसको यहाँ से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच प्लस आर टी, तो डेल्टा ई
जब डेल्टा एच में तुम इतना जोड़ोगे तब मिलेगा। जैसे हम कह रहे हैं कि एक्स है जो वाई प्लस थ्री के बराबर है, तो बताओ एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है? अरे भाई, तो वाई में तुम जब थ्री जोड़ोगे तब एक्स मिलेगा, मतलब एक्स वाई से तीन ज़्यादा है, एक्स वाई से तीन ज़्यादा है। उसी प्रकार से डेल्टा एच में आर टी जोड़ोगे तब डेल्टा ई मिलेगा, मतलब डेल्टा ई डेल्टा एच से इसके ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, ऐसी को लिख सकते हो डेल्टा एच इज लोअर देन डेल्टा ई। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई। तो यहाँ से इसको सोचना था, बस इक्वेशन बना लेना था, इक्वेशन बना करके डेल्टा एन जी निकाल लेना था, और डेल्टा एन जी के बाद तो पता चल ही जाता क्या होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से फिर जो है कुछ और भी क्वेश्चंस ऐसे ही डील किया जाएगा। धन्यवाद।